बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुश आमदी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसको बहुत कम खर्च में और 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है जी। तो आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सा बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना के रेडी करेंगे। आप इसको लंच में भी बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पे मैश किए हुए आलू मैं ले लूँगी 2 अदद। अच्छे से आपने आलुओं को मैश कर लेना है। हाफ छोटी प्याज बिल्कुल चॉप की हुई, 1 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक टेस्ट के हिसाब से, काली मिर्च 1/2 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से, चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 2 से 3 चुटकी, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 2 से 3 चुटकी जी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया, अभी हम इसको एक साइड पे करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक ब्रेड लेंगे, इसके ऊपर हम अमेजा लगाएंगे जो हमने आलू का रेडी करके रखा है। अच्छे से इसके ऊपर हमने इस तरह से फैला लेना है ओरिगानो मोज़रेला चीज़, थोड़ी थोड़ी करके, बहुत ज्यादा नहीं। इसके ऊपर हम इस तरह से दूसरा ब्रेड लगा देंगे और इसको हम हल्के से प्रेस करेंगे। एक बाउल लेंगे और 1 अदद अंडा लेंगे, 1/2 कप दूध, 2 से 3 चुटकी नमक, 2 से 3 चुटकी काली मिर्च, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पे एक पैन लेंगे, 1/2 खाने का चम्मच इसमें ऑयल शामिल करेंगे। जो बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, यहाँ पे हमने जो ब्रेड रेडी करके रखे हैं इस तरह से इसमें डिप करेंगे। इस तरह से हम इनकी साइड भी इस तरह से पैन में रखेंगे और आँच आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है जी। तो अभी हम साइड चेंज करेंगे जी। माशाल्लाह, आप लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त। इसी तरह से हम लो फ्लेम पे दूसरी साइड से भी पकाएंगे ताकि अच्छे से ये फ्राई भी हो जाए और चीज़ भी जो है ना वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये आप बच्चों को लंच के लिए भी बना के दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे एक तरह का नाश्ता कर करके तंग आ चुके हैं तो आप ये ज़बरदस्त सा बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो ज़रूर इंजॉय करेंगे और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे जी। तो साइड पे हम हल्का हल्का इस तरह से ऑयल लगाएंगे। तो तकरीबन ये 1 चम्मच ऑयल यूज़ करेंगे तो ज़बरदस्त सा ये आपका ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे जी। तो हम चेक करते हैं दूसरी साइड से भी। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो चुका है। अभी हम इसको उठाएँगे तो बारी बारी चारों साइड से हम अच्छे से इस तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें अंडे का कच्चापन ना रहे और स्मेल ना आए अंडे की जी। तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट ज़बरदस्त सा हमारा ये ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। टोटल ये फ्राई करने में 5 मिनट लगे हैं। आप बच्चों को ये लंच में बना के दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है, बच्चे खुश होकर खाएंगे। तो अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो बाकी के भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे जी। माशाल्लाह दूसरा भी रेडी हो चुका है जी। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जी। तो इसकी हम करेंगे कटिंग जी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी सा हमारा ये ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है जी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। आप इसको बच्चों को लंच के लिए बना दे सकते हैं। यकीन जाने बहुत मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल 5 मिनट में बनने वाला ये ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।